अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार दालों को लेकर एक बार फिर सख्त हो गई है। सरकार ने मूंग पर सख्ती बढ़ाई है। सरकार ने मूंग के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। सरकार ने मूंग को फ्री ट्रेड पॉलिसी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाला है। सरकार का यह आदेश 11 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। सरकार ने मूंग के इंपोर्ट पर रोक ऐसे समय में लगाई है जब मूंग की कीमतें बाजारों में MSP से नीचे चल रही हैं। मूंग की MSP सरकार ने 2021-22 के लिए 7,275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की हुई है। वहीं मंडियों में बढ़िया क्वालिटी मूंग की आवकें घटी हैं। बारिश में देरी से राजस्थान में मूंग की क्वालिटी कमजोर हुई है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऐसा करने से किसानों को सरकार का साथ मिला है। अब इस प्रतिबंध से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, यह समझने की कोशिश करते हैं। जानकारों का कहना है कि इस प्रतिबंध से व्यापारियों को नुकसान होगा। जिन व्यापारियों के पहले से सौदे हो रखे हैं और पैसे एडवांस दिए हुए हैं, उनको ज़्यादा नुकसान है। सरकार को ऐसे व्यापारियों के लिए पहले से हो रखे सौदों को आने दिया जाना चाहिए और ऐसे कोई भी निर्णय लेने से पहले कोई अधिसूचना जारी भी करनी चाहिए, जिससे पहले से हो रखे सौदे बीच में ना फंसे और दिया हुआ एडवांस पैसा ना रुके। ऐसा करने से व्यापारी और आयातकों के बीच एक साझेदारी बनी रहेगी और व्यापारी आयातकों को सौदे उसी हिसाब से भेज भी पाएंगे। सरकार के फैसले के मुताबिक सिर्फ उसी का आयात होगा जिसके सौदे लदान बिल 31 मार्च या पहले के बने हों। इंपोर्ट की गई मूंग को कस्टम से क्लियरेंस लेना होगा। भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के अनुमान के मुताबिक मूंग की फसल पिछले साल से कम रही है और मूंग की शॉर्टेज भी है। ऐसे में सरकार द्वारा मूंग के आयात पर रोक लगने से दामों में उछाल आ सकता है। IPGA के अनुसार मूंग के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। बात करें अगर मूंग के दामों की, तो बेस्ट क्वालिटी की मूंग अभी खुले बाजार में 7,200 से लेकर 7,300 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है और सामान्य क्वालिटी की मूंग 6,000 से लेकर 6,600 रुपए प्रति क्विंटल तक। सरकार के इस फैसले से किसानों को फायदा पहुंचेगा और IPGA ने इसका स्वागत भी किया है। लेकिन IPGA ने यह भी कहा है कि सरकार को व्यापारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। IPGA के अनुसार सरकार को लंबी अवधि के लिए दालों की नीतियां बनाने की ज़रूरत है। सरकार की नीतियां दालों को लेकर काफ़ी जल्दी जल्दी बदल रही हैं। दालों की छोटी अवधि की नीतियां और नीतियों में बार बार बदलाव होने से व्यापारियों और किसानों दोनों को हानि होती है। IPGA के अनुसार 2030 तक भारत की दालों की मांग 235 मिलियन टन से बढ़कर 340 से 350 मिलियन टन हो सकती है। वहीं इसी बीच खाद्य मुद्रा स्फीति पर काबू पाने की कोशिशों के तहत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आने वाली दाल पर आयात शुल्क शून्य कर दिया है और अमेरिका से आने वाली दाल पर शुल्क 30% से घटाकर 22% कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।